नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है हम अपने फोन को दिन में 2600 बार टच करते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कोविड के बाद 7 आवर पर डे लोग मोबाइल इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब 7 आवर आप मोबाइल स्क्रीन पर देखते हो, जैसे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, या कोई आप मूवी देख रहे हो नेटफ्लिक्स पर। 7 घंटे अगर आप इस पर बर्बाद कर रहे हो, इससे आपके लाइफ पर कितना असर पड़ रहा है, पढ़ाई हो, जॉब हो या बिजनेस हो। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इसकी वजह से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन क्या है। आप यकीन नहीं कर सकोगे, लेकिन सोशल मीडिया एक एडिक्शन बन चुका है। इसको कंपेयर किया जा सकता है जैसे सिगरेट हो, अल्कोहल हो या ड्रग्स हो। आपकी बॉडी एक पैटर्न फॉलो करती है, उसे हम डोपामाइन पैटर्न बोल सकते हैं। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। साइंटिस्ट को लगता है जब हम खुश होते हैं तब ये डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने वाली होती है जिसमें हमें खुशी मिलेगी तो उसका इंतजार करते ही हमारे अंदर डोपामाइन लेवल बढ़ जाती है। जब किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको इंतजार रहता है उसके बर्थडे का, घर वाले केक लेके आएंगे, बर्थडे होगा, मुझे खिलाएंगे, तो उसका जो इंतजार होता है तब उसके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है, तब उसके अंदर डोपामाइन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, खुशी होती है। ये सिचुएशन कोई गलत नहीं है, सबकी बॉडी ऐसे ही काम करती है। डोपामाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मोटिवेशन में, मेमोरी में और आपके लर्निंग में। डोपामाइन का नॉर्मल लेवल बहुत अच्छा है आपके बॉडी के लिए, लेकिन ये ज्यादा लो या ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तो तब आती है जब आपको ये रिटर्न मिल जाना है, लेकिन हमें और चाहिए होता है। आपने आज केक खाया, कल भी खाया, और आपको तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन भी केक मिला, तो आपको सेम खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसको साइकोलॉजी में हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं सिवाय ईश्वर के जो आपको रोज मिले और उतनी खुशी मिले, और ये सेम चीज ड्रग, सिगरेट, अल्कोहल के लिए लागू होती है। इंसान पहली बार ड्रग लेता है, इसकी छोटी सी मात्रा भी इंसान को बहुत बड़ी किक देती है, खुशी मिलती है। सेम लेवल की खुशी पाने के लिए वो और एडिक्टेड हो जाता है। सोशल मीडिया का एडिक्शन भी सेम तरीके से काम करता है। जब आप अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखते हो तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। किसी ने आपकी फोटो लाइक कर दी, कमेंट किया, आपको खुशी मिलती है, और धीरे धीरे यह एक्साइटमेंट कम होती जाती है। ज्यादा लाइक्स आ जाए, ज्यादा कमेंट आ जाए, लगने लगता है और चाहिए। और अब तक हमने जो भी उदाहरण देखे है उन सबकी प्रोसेस सेम है, लेकिन हर चीज से हम इतने एडिक्टेड क्यों नहीं बन जाते? पैसे कमाने के लिए एडिक्टेड क्यों नहीं बन जाते? एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एडिक्टेड क्यों बनने जाते? पढ़ाई करने में एडिक्टेड क्यों नहीं बन जाते? सोशल मीडिया और ड्रग्स के लिए क्यों इतने एडिक्टेड बन जाते हम? इसका मेन रीजन है आपको जल्दी रिटर्न नहीं मिलता। आपको बहुत दिन मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद आपको उसका रिटर्न मिलता है। पैसे कमाने के लिए आप तब ही एडिक्टेड बन सकते हो जब आपको रिटर्न जल्दी मिले और कोई आसान तरीका हो, जैसे आप गैम्बलिंग भी देख सकते हो। अब हम इसको सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सोशल मीडिया पर आपका फोन चलाना बहुत ही आसान है। जैसे आपने कोई पोस्ट अपलोड की, वीडियो अपलोड किया, आपको लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है, यहाँ पर आपको फास्ट रिटर्न मिलता है। अगर हम बाकी एक्टिविटीज से कंपेयर करें, जैसे बुक्स रीडिंग हो, अगर आप कुछ पेजेस पढ़ने लगोगे तो आपको जल्दी रिटर्न नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको काफी समय लग रहा है। सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है आपको? सारी सोशल मीडिया आपने जानबूझकर अपनी ऐप को ऐसा बना रखा है। उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी किया है साइकोलॉजिकली किससे लोग आकर्षित होते हैं, किन चीजों से लोग एडिक्टेड बनते हैं, कैसे लोग ज्यादा ऐप देखेंगे, ये सब स्टडी करके ये सब ऐप बनाए। इसे आप एक जाल भी बोल सकते हो, जिसमें आप सबको जाल में डाला है। सोशल मीडिया का ये एडिक्शन आपकी जिंदगी के लिए बहुत हानिकारक है, वेस्ट ऑफ टाइम। सोशल मीडिया हर वक्त आपको आपके पसंद का एल्गोरिथम दिखाएगा। इससे इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन बढ़ता है, जैसे एक दूसरे को कंपेयर करना, कोई आपसे अच्छा दिख रहा है, अच्छी लाइफ जी रहा है। वैसे सोशल मीडिया का अच्छे के लिए भी यूज किया जा सकता है। आप सोशल मीडिया देखना बंद करो, ये हमारा मोटिव नहीं है। सवाल यह है कि एडिक्शन कैसे रोका जाए। किसी भी एडिक्शन को रोकना है तो आपको ऐसे चीजों के ऊपर ध्यान देना है जो धीरे धीरे आपको रिटर्न दे दे। जल्दी में रिटर्न मिलने वाली चीजों को डिलीट कर दे। जैसे आप सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर सकते हो, ऐसा ना कर पाओ तो कोई अलग तरीका इस्तेमाल करो, जैसे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, फेसबुक ब्राउजर में ओपन करो या फिर लैपटॉप पर ओपन कर सकते हो। और इससे आपको यह ऐप यूज करना इतना आसान नहीं रहेगा जितना पहले था, जो आप उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकोगे। तो वैसे देखा जाए तो सॉल्यूशन आपके एडिक्शन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि एडिक्शन ज्यादा है तो सभी ऐप डिलीट कर दो, आपके एडिक्शन के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आपके पास सिगरेट की दुकान नहीं है
तो आपको सिगरेट लेना मुश्किल हो जाएगा और पीना भी। तो ऐसे ही आप अपने एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना सके। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।